Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are absolutely fine. So in this video, I am going to give you my personal experience of using Cosrx Salicylic Acid Skin Cleanser for about 1 week. So how was my experience from day 1 to day 7? Let's find out. हमेशा की तरह डिटेल में बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा अपने प्रीवियस वीडियो में बताते आया हूँ। तो देखो यार, सबसे पहला जो मेरा डे का एक्सपीरियंस था वो ये था जब मैंने जो स्किन क्लेंजर है उसको अप्लाई किया। इसने मेरी स्किन को जो है ड्राई आउट किया, ठीक है, ड्राई आउट किया इन अ गुड वे। ठीक है, दो तरह से होता है ड्राई आउट, एक बहुत ज्यादा ड्राई आउट कर दे, एक ड्राई आउट करता है यानी कि आपके जो ऑयल है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो सीबम है, उसको हटाता है। ठीक है, सो इसने ड्राई आउट किया इन अ गुड वे। तो फर्स्ट डे था, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि इतना ड्राई आउट क्यों किया, बिकॉज इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड 0.5% की कंसेंट्रेशन में है। ठीक है, 1% भी नहीं है, जो कि मैं सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर रहा हूँ एक साल से ऑलमोस्ट, लेकिन इसके अंदर 0.5% था। इसने मेरी स्किन को ड्राई आउट किया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर डे टू जब आया, डे टू में इसने इतना ज्यादा जो है स्किन को ड्राई आउट नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्लिसरीन भी देखने को मिलता है और वो आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट भी डाले गए हैं जो कि आपकी स्किन को जो इरिटेशन से बचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। जो नहीं जानते सैलिसिलिक एसिड क्या है, सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, इट्स अ BHA। ठीक है, ये करता क्या है, ये आपकी स्किन से जितना भी ऑयल है, जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट एंड डर्ट है, उसको सबको रिमूव करता है। आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस है, जो आपकी टॉप लेयर है, उसको एक्सफोलिएट करता है, जिससे कि आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, वो धीरे धीरे फेड अप होने लगते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में टाइम लगता है। सो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करें जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, कम से कम उसको 1 महीना दीजिए पेशेंस के साथ, दिन में 2 बार यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस प्रोडक्ट के साथ मैंने देखा, 0.5% इसके अंदर कंसेंट्रेशन है और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, बिकॉज Cosrx के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब टॉप नॉच होते हैं और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है, ऐसा कोई चीप प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका प्राइस जानना होगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक को दबाना होगा और Amazon पे आना होगा। ठीक है, तो वहां पे आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डे थ्री की। डे थ्री जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, सुबह जब मैंने यूज किया तो शाम को मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी स्किन थोड़ी सी जो है रेड होना स्टार्ट हो रही है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिव्यूज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अगर आप अमेजोन पे देखेंगे, 5 में से 4.5 रिव्यूज इसके हैं, लेकिन स्किन थोड़ा थोड़ा रेडनेस होना स्टार्ट हुई, जो कि मेरे साथ नहीं होता है अक्सर, लेकिन फिर भी हो रहा था। ठीक है, डे थ्री का एक्सपीरियंस ये था। डे फोर्थ का एक्सपीरियंस ये था, जब मैं सुबह उठा तो जो स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ड्राई थी, और जब मैं इसको यूज़ किया तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ करते हैं 3 से 4 दिन, आपको पता लग जाता है कि हमारी स्किन के ऊपर कैसा वर्क कर रहा है, चाहे वो वर्क करेगा नहीं करेगा, एक्ने को रिमूव करेगा नहीं करेगा, वो सब बाद की बात है, लेकिन एक जो फील होता है आपको आपकी स्किन के ऊपर, वो आप पता चल जाता है कि हाँ अच्छा है नहीं है। तो डे फोर्थ वॉज वेरी वेरी बैड, तो अच्छा नहीं था डे फोर्थ का एक्सपीरियंस। डे फाइव पे मुझे थोड़ा ये था कि मैं इसको यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो करते हैं ट्राई। फिर मैंने इसको ट्राई किया और डे फाइव बिल्कुल नॉर्मल था, ज़्यादा कोई इरिटेशन नहीं थी, ज़्यादा कोई ड्राइनेस नहीं थी, बिकॉज इसके अंदर जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी डाले गए हैं, जैसे कि ग्लिसरीन वगैरह, तो ये आपकी थोड़ी बहुत जो ड्राइनेस है उसको भी क्योर करता है, लेकिन कभी कभी ये उसको ज़्यादा ड्राई आउट कर देता है। अब देखो, विंटर सीजन है, हम इस प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज नेचुरली जो स्किन है वो ड्राई होने लगी है आजकल, सो इस प्रोडक्ट को इतना ब्लेम नहीं कर सकते। डे सिक्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक रेड बम्प जो है, या अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो पॉपअप हुआ, जो कि बहुत महीनों से मुझे नहीं हो रहा था, लेकिन इस प्रोडक्ट के बाद में मुझे हुआ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यस हुआ। ठीक है, और फिर मैंने इसको जब इसके ऊपर वो प्रोडक्ट अप्लाई किया शाम को, तो उसने इसको काफ़ी ज़्यादा रेड कर दिया, ठीक है, जो कि सही नहीं है। अगर इसके अंदर सिर्फ 0.5% है, फिर भी इतना ज़्यादा जो है आपकी स्किन को रेड ड्राई कर रहा है, रेडनेस कर रहा है, तो विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। डे सेवन मैंने इसको सिर्फ एक बार यूज़ किया
और ठीक ठाक इसका जो था एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो अब इन 7ों दिनों का कंक्लूजन क्या है? 7ों दिनों का कंक्लूजन ये है कि देखो भाई, अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसकी स्किन ऑलरेडी काफी ड्राई है, उसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है। और ऑलरेडी अगर आपकी स्किन ड्राई है, वो भी विंटर सीजन में, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के लिए मत जाइए। थर्ड, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है मेरी तरह, तो भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज जो मैंने फेस किया, हो सकता है आप लोग भी फेस करो। सो आप इसको परचेज करोगे और फिर आपको लगेगा, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको यूज ही करना पड़ेगा और फिर पैसे वेस्ट है, ठीक है। आप यूज नहीं करोगे इसको, मुझे पता है। अगर आपको एक बम भी हो गया तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले, ठीक है। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, नॉर्मल है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 7ों दिनों का एक्सपीरियंस अलग अलग था। कंक्लूजन जो निकलता है वो यही निकलता है कि ऑयली स्किन वाले डेफिनेटली जा सकते हैं, ड्राई स्किन वालों को नहीं यूज करना है, सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं यूज करना है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है डेफिनेटली आप जो है यूज कर सकते हो। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो मेजरली जो चीज़ें हैं वो है ग्लिसरिन, सैलिसिलिक एसिड 0.5%, लॉरेनिक एसिड, और एक दो चीज़ें और हैं जो कि हर सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर में जो है डाली जाती है। सो आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस प्रोडक्ट को लेके, और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, वो कमेंट करते रहिए। बिकॉज यार होता क्या है ना, जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है आपका, आपके साथ नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, और जो नए नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में आपको बताते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, जो जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि 5-6 लोगों ने अगर सेम प्रोडक्ट के लिए बोला, तो मैं उस पर जो है रिव्यू बना देता हूँ। लेकिन अगर एक एक इंसान का मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, और फिर ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी, बिकॉज कई लोगों को हेयर्स के ऊपर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, किसी को एक्नेस पे चाहिए, किसी को मॉइस्चराइजर चाहिए, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चैनल है किस लिए, ठीक है ना। सो हमारी जो नीश है, जो हमारी थीम है, एक्ने ट्रीटमेंट, एक्ने प्रोडक्ट्स, हम उसी के ऊपर बरकरार हैं। सो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। रिव्यू हर चीज़ का आएगा, लेकिन बनाने वाला सिर्फ मैं एक हूँ, और डिमांड बहुत लोगों की है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, धीरे धीरे सारे रिव्यूज आ जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रहिए और रखिए आप लोग। और एक और रिक्वेस्ट है कि भाई, जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसको थोड़ा पूरा देख लिया करो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो में आंसर कर चुका हूँ। सो मुझे बहुत गुस्सा आता है या बुरा लगता है कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो सेम क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे हो उस चीज़ के बारे में। तो इससे अच्छा आप थोड़ा कष्ट उठा के वीडियो भी पूरी देख लो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।